सुनील, हम देख रहे हैं लगातार दो दिनों से स्टॉक मार्केट जो है सेंसेक्स जो है उसमें गिरावट देखी जा रही है, और बजट से पहले अक्सर ऐसा होता है, तो खास नजर यहाँ पर रहने वाली है कि बजट के बाद स्टॉक मार्केट का क्या हाल रहता है। बिल्कुल अदिति, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं तो बहुत उथल पुथल है। दरअसल जो ये शेयर मार्केट है वो बाजार के सेंटीमेंट पे काम करता है, तो दरअसल जो भी बजट में होगा उसका असर यहाँ पर साफ दिखाई पड़ता है। तो कुछ उम्मीदें हैं, कुछ नाउम्मीदें हैं, कुछ डर है, आशंकाएं हैं, तो उस लिहाज से जो है कि जो है शेयर बाज़ार वो गिरता रहता है और चढ़ता रहता है। दरअसल अब किस तरह का बजट आएगा उसमें कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म गेन टैक्स जो है लेकर, उसको लेकर भी लोगों को बहुत ही उम्मीदें और आशंकाएं हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में आशंका, कुछ लोगों को क्या होगा, सरकार किस तरह का निर्णय लेगी, इसको लेकर आशंकाएं हैं। तो इस और किस सेक्टर को कितनी छूट मिलती है या किस सेक्टर पर क्या होता है, तो इस तरह कई चीज़ें हैं जिसको लेकर बाजार जो है अपना रिएक्ट करता है। तो स्वाभाविक तौर पर एक उम्मीदें जरूर हैं इस बार कि कुछ अच्छा होगा, और उसके बाद हो सकता है कि बाजार जो है वो बढ़े सेंसेक्स निफ्टी या फिर गिरे, ये भी संभव है, क्योंकि पिछले बार कई बारों में हमने देखा तकरीबन कि बजट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिर गए हैं, यानी कि जो भी फैसले लिए गए थे बजट में वो बाजार के अनुरूप नहीं थे, या फिर सेक्स जो स्टॉक मार्केट है उसको वो उन्होंने उसको समर्थन नहीं दिया था। लिहाजा इस बार भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि होगा जिस तरह से परिणाम आया और उसके बाद से अचानक से गिर गया था, लेकिन अब चूँकि लग रहा है कि सरकार स्थिर बन गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार जब सरकार बनी है तो अब स्थिर है, तो अब ऐसी कुछ अड़चने नहीं है, तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बढ़ेगा। अभी आप देखेंगे तो मैं बॉम्बे स्टॉक मार्केट के पास हूँ और ज़्यादातर आपको यहाँ पर लाल लाल ही दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन उम्मीद एक है कि कुछ अच्छे फैसले आएंगे, बाजार के अनुकूल होंगे, शेयर हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसमें कि अच्छी है, जैसे मूलभूत ढांचे है या डिफेंस है, इस तरह कुछ सेक्टर है जिसमें अच्छी जो है कि हो सकता है। तो उसके और अदिति हमारे साथ जस्ट अभी एक बाजार के एक्सपर्ट शुक्ला जी आ गए हैं, थोड़ा सा और अच्छे से आपको बता देंगे, दो मिनट अगर आप मुझे देंगे तो जी। शुक्ला जी ये स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, सर बताइए कि इस बार की जो अभी बजट आ रहा है, कल दो तीन दिन से हमने देखा कि लगातार बाजार जो है शेयर स्टॉक और निफ्टी गिर ही रहे हैं, लाल हो जा रहे हैं, उथल पुथल बहुत है, तो अब क्या उम्मीदें हैं मार्केट में? उम्मीदें बहुत हैं, और वित्त मंत्री जी के पिटारे में क्या क्या है अभी दो घंटे बाद समझ में आ जाएगा। हमारा ये मानना है कि जो इलेक्शन में गवर्नमेंट को सेटबैक्स लगे हैं जिन रीजन्स के कारण, उसके लिए उन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो अभी नकल का जो पेपर लीकेज वगैरह है, ये सारी चीज़ों को सीरियसली गवर्नमेंट एड्रेस करेगी इस बजट के माध्यम से। ये संदेश देना चाहेगी कि हमारा जो रोड मैप है आगे के देश को जो है विकसित भारत बनाने का, उसमें हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ में जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उनके बाजार लगता है कि आपको पॉजिटिव होगा, यानी बाजार हर वर्ष की भांति इस बार भी ऊपर ही जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट जो है उनका जो ये है एजेंडा की जो उन्हें विकास का है वो कंप्रोमाइज नहीं है। हमने शेयर तो मार्केट की बात की, सुनील सिंह ने बात की एक्सपर्ट से, तो वो बता रहे हैं कि उम्मीदें बजट से सबको हैं। हमारे साथ सुजाता द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। सुजाता, गृहिणियां क्या चाहते हैं, आप उनसे बात कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ मौजूद कुछ ऐसी ही महिला वर्ग हैं जो आज के बजट को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी लगा बैठी हैं, इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? विद्या सिंह। विद्या जी, ये बताइए कि आज जो बजट आने वाला है, खासतौर पर महिला वर्ग से जो घर बनाती हैं, जो हर महीने घर का बजट तैयार करती हैं, आपकी इस बार की बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ ऐसी योजनाएं या फिर क्या कुछ अलॉट किया जाए ताकि महिला अपने क्षेत्र में और खासतौर पर महिला वर्ग ओवरऑल आगे बढ़ सके? अपना तो यही है कि महंगाई जो है बहुत ऊँची है, अभी थोड़ा सस्ता हो जाए ज़्यादा अच्छा है, महिला यही उम्मीद करती हैं। और क्या चाहेंगी? और क्या चाहेंगी? आप क्या बोलेंगी, जो ओवरऑल बजट आज आ रहा है उसको लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस प्रकार कौन क्या कुछ ऐसी बदलाव लाए जाए जिससे थोड़ा और ज़्यादा सशक्तिकरण महिलाओं को मिल सके? आई थिंक जो औरतों को काम करने के लिए जो योजनाएँ प्रमोट करे,
वो मैं चाहूंगी कि जो होम वर्कर्स है उनके लिए भी एक मोटिवेशन हो कि वो भी काम कर सके। काम कर सके। सर आप क्या बोलेंगे, अब जब आप भी जो हर महीने बजट बनता है घर का लेकर, उसमें पुरुषों का भी काफी योगदान रहता है, आप लोग बाहर दुनिया देखते हैं, देख रहे हैं किस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, क्या कुछ आपके ओपिनियंस रहेंगे इस बार के बजट को लेकर? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जो सरकार सब्सिडी और जो सस्ताई करती हो तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उसकी जगह पे योजना ऐसी आनी चाहिए कि जिससे लोग सक्षम बने, महंगा हो सस्ता हो उनकी खरीदने की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो आपको बार बार हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, उसके लिए आपको जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है उसमें सरकार को काम करना चाहिए, कर ही रही है ऑलरेडी सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम करे, उसको और बढ़ाना चाहिए। जो स्वयं रोजगार के लिए करती है, स्वावलंबी भारत का जो उन्होंने अभियान चलाया है, उसमें सरकार को और ज़्यादा काम करना चाहिए जिससे लोग अपने आप स्वावलंबी हों, तो जब लोगों की इनकम अपने आप बढ़ाएंगे लोग जी, तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको इसमें सब्सिडी दे दो, उससे क्या होगा, पूरा ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा बिल्कुल। और आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि जो होममेकर्स होती हैं खासतौर पर, उनको बढ़ोतरी मिले उनके जीवन में, इसको लेकर काम किया जाना चाहिए, तो ओवरऑल अगर देखा जाए आप किस क्षेत्र में अपने आप को देख रही हैं आगे चलकर, और उस क्षेत्र में आपको क्या लग रहा है सरकार काम कर रही है? मैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ, तो वहाँ पे भी वुमेन डिस्पैरिटी है काफ़ी, तो वुमेन आर ऑलवेज पेड लेस देन मेन। तो मैं चाहूँगी कि वो एक इक्वालिटी रहे ताकि औरतों को भी काम करने के लिए प्रभावित किया जाए घर से, अपने जी सुजाता, अपने घर से प्रभावित किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत आपने बड़ी जैसे बात बताया सुजाता कि महंगाई बहुत ये ज्यादा हो पर चुकी इन्होंने है, रखी है कि महिलाओं सब्जियों के से साथ जो लेकर फल तक, असमानता आप क्या होती है बोलेंगे उनकी किन चीजों में? कमाई को लेकर अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी हो सकता है इस पर भी आगे ध्यान दिया जाए। पल्लव के पास चलेंगे, पल्लव मिश्रा हमारे सहयोगी दिल्ली JNU से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, इस वक्त जो सबसे गर्म मुद्दा चल रहा है पूरे देश में नीट का, UG का, हम देख रहे हैं कि छात्र जो है कहीं ना कहीं शंका उनके मन में, भरोसा जो है वो उठा एक सिस्टम से, आपके साथ जो छात्र हैं वो आज क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो इस समय है वो छात्रों का मुद्दा बहुत गरमाया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं हाल में जो तमाम पेपर्स हुए हैं उसमें जो गड़बड़ी हुई है, उसके बाद रोजगार को लेकर ये तमाम मुद्दे हैं जिसमें न सिर्फ छात्र बल्कि जो अपोजिशन है वो भी सरकार को टारगेट किए हुए है। और इसी को हम जानने के लिए कि जो आज बजट आ रहा है उसको लेकर छात्र क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ कुछ JNU के छात्र हैं, हम उनसे सीधा बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपका नाम? जी, मैं राजेश्वर कांत दुबे हूँ, यहाँ रिसर्च स्कॉलर। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? जी, मैं PhD कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो जो अब ये बजट आ रहा है, इस बजट से आपको क्या उम्मीद है? जी, जैसे कि हम लोग रिसर्च स्कॉलर्स हैं तो हमारी उम्मीद भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा इन्वेस्टमेंट हो, अच्छी डेवलपमेंट हो उससे है। जैसा कि पिछले 2014-15 में 60,000 करोड़ के आसपास रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही थी हमारा देश, और अभी वो बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है, लगभग 1,27,000 करोड़ के आसपास किया गया है, जो कि सराहनीय है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि PhD स्कॉलर्स देने में हमारा देश तीसरे नंबर पर आता है USA और चाइना के बाद। तो जब हमारा देश तीसरे नंबर पर आता है PhD स्कॉलर्स देने के नाम पे, तो हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उसी तरीके से बढ़ाना चाहिए ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम और बेहतर कर सकें। बिल्कुल, अब जैसे ये इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप जो आज बजट पेश हो रहा है एजुकेशन को लेकर सरकार बहुत लगातार बात करती रहती है, तो आप उसको क्या सोचा, आज जो बजट आ रहा है आप क्या देख रहे हैं बजट को लेकर? बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं बजट को लेकर। एक तो जैसे कि भैया ने जैसे एजुकेशन के सेक्टर में बोला, मैं स्पेस के सेक्टर में देखना चाहता हूँ, जैसे कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया अपने स्पेस सेक्टर में, तो और भी इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जैसे जैसे हालांकि हमारी स्पेस एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही है बाकी वर्ल्ड के एजेंसी से, और काफ़ी लो बजट में काम कर रही है, तो अगर हम और उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो और इसको हम इन्हेंस कर सकेंगे। जैसे पिछले साल का हमारा जो बजट था वो लगभग 13,500 करोड़ था, जो कि 0.03% ऑफ द टोटल बजट था हमारा। तो इसमें अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे अगर तो हम और भी मतलब हम जो है वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी वर्ल्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है वो हमारे पास आएंगी अपने अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने के लिए, तो ये हमारे कंट्री के लिए अच्छा।